और मैं आज तो फ्रेंड्स यहाँ काम मेरा था और मेरी तबीयत भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं कैसा मन हो रहा था और आप सबको पता नहीं मैं गिर भी पड़ी थी तो चोट कमर में भी बहुत ज़्यादा लग गई है। वैसे बस हिम्मत करके चलती हूँ और वो थोड़ा थोड़ा सा ना जो चिलकन वाला दर्द होता है तो उस तरह से हो रहा है। और अभी मेरी माता रानी देखे सो ही नहीं है क्योंकि जब घर वाले सोते हैं तभी वो सोती है भाई। तो चलिए मैं आप सबको सहारा स्टेट ले चल रही हूँ कि वहाँ का पंडाल बन गया कि नहीं, माता जी की प्रतिमा स्थापित हो गई कि नहीं। आज ही होना था तो क्या कुछ हुआ आप सबको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले ले चलती हूँ आप सभी को। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो बता दूं मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि आके सो जाता है। और दूसरी चीज, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाई, जय माता दी, क्योंकि नवरात्रि तो अभी 9 दिन का है और चलता रहेगा ये सिलसिला जब तक कि माता रानी, वैसे तो माता रानी कभी जाती नहीं, हमारे साथ हमेशा रहती है, लेकिन एक उनका जो विशेष दिन है तो जब तक ये दिन है तब तक मैं बोलती रहूंगी जय माता दी। तो चलिए चलती हूँ। अभी अधूरा है ना। कल से शुरू हो जाएगा। आज से नहीं, हम लोग तो ऐसे चले आए थे ना, ऐसे इसी हाल में चले आए थे हम। प्रभु रे, थे ओपनिंग तो आज से, लेकिन आज ओपनिंग आज से, आज बारिश की वजह से नहीं हुआ। और हाँ फ्रेंड्स, अंदर आप सबने देखा भगवान श्री राम के मंदिर का थीम बन रहा है और यहाँ बाहर भी माता जी की प्रतिमा बैठाई गई, यानी कि इस बार सहारा स्टेट में दो दो प्रतिमाएं बैठाई गई हैं। और यहाँ भगवान गणेश जी का बाल रूप में देखिए डांस हो रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना मनमोहक लग रहा है। तो आप सब भी जय जयकार लग रही है। होप करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आप सभी को मैं मिलूंगी एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स 11:24 और मैं आ चुकी हूँ। आके इतना थकान लग रहा है, इतना ज्यादा थकान लग रहा है, लेकिन देखिए आपको काम दिखाती हूँ कि मैंने कितना फैलाया है। और इस समय टाइम तो आप सबको दिखाई दिया, अभी मैं करने वाली हूँ। ये देखिए निकाल के रखा है सारा ये, क्योंकि दिवाली आ रही, दिवाली की तैयारी करनी है तो सारा कुछ है। तो आप सबको दिखाऊंगी कि क्या बनने वाला है।